आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्म अवलोकन फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4-5 में लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, रोज हमें अपने आप से कुछ प्रश्न करना है। पहला प्रश्न, क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की? दूसरा प्रश्न, क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति को अपने शब्दों से प्रोत्साहित किया? तीसरा प्रश्न, क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद व्यक्त किया? चौथा प्रश्न, क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा की? पांचवा प्रश्न, क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति को क्षमा किया? छठा प्रश्न, क्या आज आपने किसी एक व्यक्ति के हित का ध्यान रखा? मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन अपने आप से रोज करें और अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें कि आप ये कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4-5 में लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, हमें अपने हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करनी है, हमें दूसरों के विषय में भी सोचना है। इसलिए अपने आप से रोज़ ये प्रश्न करें और अपने जीवन में आशीष को पाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।